Hello children, this is second part of built-in functions. What are built-in functions? Built-in functions क्या होते हैं? These are predefined functions जो हमें बने बनाए मिलते हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना होता है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव इंडेक्स मेथड. द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट. इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज है? इंडेक्स फंक्शन में हम जो भी आइटम पास करते हैं, जो भी लिस्ट का आइटम पास करते हैं, ये हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू बताता है कि उस आइटम की इंडेक्स वैल्यू क्या है. अब क्या बोल रहा है ये फर्स्ट मैच्ड आइटम. अगर मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मुझे टू, जैसे मेरी लिस्ट में टू है, ओके, और टू का मुझे इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इंडेक्स फंक्शन के अंदर टू को पास कर दूंगी. पर अगर लिस्ट में थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स टू आया है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ जो सबसे पहले वाला टू होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या करेगा, बताएगा, राइट? अब इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है आपका लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम, ओके, इंडेक्स एंड देन आइटम, कोई भी आइटम जिसकी आपको इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, फाइन, ओके. अब यहाँ पे हम इंडेक्स मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. या दिस इज आर लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है 15, 16, 17, 16, 18, ओके. अब आपने क्या कमांड दिया, लिस्ट डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स फंक्शन के अंदर आपने क्या पास किया, 16, ओके, 16 को पास किया, ओके. तो आपने जब 16 को पास किया, तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, उसकी इंडेक्स वैल्यू दैट इज 1. अब यहाँ पे देखो 15 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 15 की इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 है, ओके. 15 की आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0. 16 की क्या है, 1, ओके. देन 17 की 2, अगेन जो आपके फिर से 16 आया है उसकी 3, ओके. लेकिन इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, जो फर्स्ट आपका आइटम उससे मैच करेगा उसकी ही इंडेक्स वैल्यू शो करेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट 1. लिस्ट 1 में हमने स्ट्रिंग वैल्यूज लिए हैं, ये स्ट्रिंग लिस्ट है, लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, ओके. देन वी हैव गिवन द कमांड लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स फंक्शन में हमने किसको पास किया, लर्न को, राइट? अब यहाँ पे देखो लेट्स की जो है इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, फाइन, एंड लर्न की क्या है, 1, ओके. तो इसने क्या किया, लर्न की इंडेक्स वैल्यू आपको शो कर दी, दैट इज 1, फाइन. देन यू हैव इंडेक्स डॉट लिस्ट डॉट इंडेक्स 20. अब देखो 20 हमारे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जो एलिमेंट 20 हमने पास किया है वो हमारे लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ओके. सो इफ द गिवन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, इट रेजेस वैल्यू एरर एक्सेप्शन. तो अगर आप ऐसे करते तो क्या आएगा, आपके में ये आपका क्या होगा, एरर शो करेगा. कौन सा एरर, वैल्यू एरर, राइट, ओके. बिकॉज 20 इज नॉट इन द लिस्ट, जो हमने आइटम पास किया है वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, फाइन. नेक्स्ट फंक्शन इज द पॉप मेथड. इट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड ऑल्सो रिटर्न द एलिमेंट विच वॉज रिमूव. अब पॉप फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, ओके. और क्या करेगा ये, जो भी आपने एलिमेंट लिस्ट में से रिमूव किया है, ये इसको रिटर्न कर देगा, राइट? दैट मीन्स यू विल गेट दैट एलिमेंट, वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा, राइट, ओके. अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. पहले इसका सिंटेक्स आप देखिए, लिस्ट का नेम, ओके, पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन के हमने अंदर पास के इंडेक्स वैल्यू. इंडेक्स वैल्यू मतलब इस इंडेक्स वैल्यू, जो भी आपने अगर 0 इंडेक्स दिया तो 0 का एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, आपने 1 दिया है तो 1 का रिमूव हो जाएगा, 2 दिया तो 2 का रिमूव हो जाएगा, ओके. अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू इट विल रिमूव द एलिमेंट, ओके. इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, अगर आपने इंडेक्स यहाँ पॉप फंक्शन के अंदर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, राइट, तो क्या होगा, पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट, लास्ट आइटम इन द लिस्ट. तो क्या होगा, अगर आपने पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट पॉप फंक्शन लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा एंड रिटर्न कर देगा, दैट मींस यू विल गेट दैट एलिमेंट, फाइन, ओके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड पॉप विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे हमारी लिस्ट है L1, L1 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके. नाउ अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल दिया A, A इक्वल टू L1 डॉट पॉप 2, ओके. 2 क्या है, हमारी इंडेक्स,
इंडेक्स टू, अब हमारा इंडेक्स टू पे क्या है, हमारा जीरो पे है 10, फाइन, आपका जीरो इंडेक्स पे है 10, ओके, वन पे है आपका 20, एंड टू पे आपका क्या है 30, फाइन, टू पे आपका क्या है 30, ओके, तो आपका कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, 30, और 30 रिमूव होके कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर, आर यू गेटिंग, क्या किया है आपने, L1 डॉट पॉप, पॉप के अंदर कौन सी इंडेक्स वैल्यू दी है 2, और 2 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है हमारा एलिमेंट 30, फाइन, ओके, और 30 रिमूव होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए वेरिएबल के अंदर। अब जब आपने लिस्ट को प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे L1 को प्रिंट कराया, तो आपके पास आ गया 10, 20, 40, 50 एंड 60, 30 रिमूव हो गया, और जब आपने ए वेरिएबल को प्रिंट कराया तो आपका क्या आया 30, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो, रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स टू एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल ए, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू, बी हमारा क्या है, वेरिएबल है, बी हमारा वेरिएबल है, L1 डॉट पॉप, अब पॉप के अंदर हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, ओके, तो क्या करेगा पॉप, जब हम इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या करता है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट वो डिलीट कर देता है, फाइन। अब देखो, जब आपने L1 को प्रिंट कराया तो क्या आया, 10, 20, 40 एंड 50, 60 क्या हुआ, रिमूव हो गया, और जब आपने वेरिएबल बी को प्रिंट कराया, वेरिएबल बी को प्रिंट कराया तो आपका क्या आ गया 60, फाइन, आपका 60 आ गया, ओके। जब आप पॉप फंक्शन के अंदर कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और उसे रिटर्न करता है, और जब रिटर्न करता है तो यहाँ पे हमने वेरिएबल उसको होल्ड करने के लिए यूज किया हुआ है, फाइन, ओके, अंडरस्टूड। पॉप फंक्शन कैन बी यूज्ड विद नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू आल्सो, ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉप के अंदर, पॉप फंक्शन के अंदर नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हमने लिस्ट ली L1, 10, 20, 40 एंड 50, ओके, नेक्स्ट कमांड हमने क्या लिया, L1 डॉट पॉप, और पॉप के अंदर हमने क्या पास किया, -1, राइट, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, -1, 50 की है, ओके, देन 40 की किया है -2, देन 20 की है आपकी -3, राइट, तो यहाँ पे -1 हमारा, -1 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है 50, ओके, तो अब क्या होगा, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा 50, ओके, तो आपने L1 को जब प्रिंट कराया इस कमांड के बाद, तो क्या हमारी रह गई है लिस्ट 10, 20 एंड 40, 50 हैज बिन रिमूव्ड, ओके, और रिमूव होके कहाँ पे चली गई, वेरिएबल सी के अंदर, तो आपने सी को प्रिंट कराया तो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई 50, राइट, तो पॉप फंक्शन में आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू को भी पास कर सकते। नाउ वी हैव द रिमूव मेथड, ओके, रिमूव फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी नो द एलिमेंट टू बी डिलीटेड बट नॉट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अब रिमूव फंक्शन का क्या यूज है, रिमूव फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ओके, और ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे हमें एलिमेंट तो पता है लिस्ट के अंदर कौन कौन से है पर उनकी इंडेक्स वैल्यू नहीं पता है, फाइन, जैसे पॉप का जब हमने यूज किया तो वहां तो हमने इंडेक्स वैल्यू पास की थी, बट जब हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं पता वहां पे हम रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे, ओके, द रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, एंड नाउ व्हाट इट इज टेलिंग यू, रिमूव फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने आइटम पास किया है उसकी जैसे ही फर्स्ट टाइम वो अपियर होता है वो उसको रिमूव कर देता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक लिस्ट में 2 टाइम 16 था, तो जैसे ही उसे पहले वाला मतलब फर्स्ट वाला 16 मिलेगा तो उस फर्स्ट वाले 16 को रिमूव कर देगा, सेकेंड वाला 16 एज इट इज रहेगा, फाइन। नाउ सी द सिंटेक्स, लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम, रिमूव फंक्शन और आइटम आप इसके अंदर पास करोगे जो आपको रिमूव करना है, ओके, द रिमूव फंक्शन विल रिपोर्ट एन एरर इफ देयर नो सच आइटम इन द लिस्ट, और अगर आपने कोई ऐसा आइटम रिमूव के अंदर पास किया है जो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा, रिमूव क्या शो हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम रिमूव मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, हमने एक लिस्ट ली, ओके, ए ई आई ओ यू ए ई आई, ओके, तो हमने क्या किया, L1 डॉट रिमूव, रिमूव L1 इज द नेम ऑफ द लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर हमने दिया ए, फाइन, अब क्या होगा, ए रिमूव हो जाएगा, L1 को जब हमने प्रिंट कराया तो क्या आया है हमारा ई आई ओ यू ए ई आई, अब देखो ए यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स था, ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स ए था, बट रिमूव क्या करता है, जैसा ही उसको फर्स्ट मैच मिलता है उस फर्स्ट मैच को वो रिमूव कर देगा, ओके, जो सेकेंड या थर्ड है उनको वो छोड़ देता है, ओके, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ ए इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, फाइन,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, L1 डॉट रिमूव आई। अब हमने क्या रिमूव करना है, आई। तो अब देखो, ई यहाँ पे जो इस लिस्ट में आई था फर्स्ट, वो वाला आई रिमूव हो गया, सेकंड वाला जो था आई वो एज इट इज है। तो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ आई इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, फाइन। देन L1 डॉट रिमूव पी। अब पी क्या है, पी तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन व्हाट विल हैपन, इट विल शो द वैल्यू एरर, ये आपको वैल्यू एरर शो कर देगा। दैट एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, मीन्स दो व्हाट एवर यू आर पासिंग इज नॉट इन द लिस्ट, फाइन। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं रिमूव फंक्शन का, प्रोग्राम टू रिमूव ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब एक हमने प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हम लिस्ट के अंदर से सारे इवन नंबर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारी लिस्ट है 2, 7, 12, 15, 10, 15, 23, राइट। अब हमने फोर लूप लगाया, फोर आई इन लिस्ट, फॉर वेरिएबल आई इन लिस्ट। तो आई क्या करेगा, सबसे पहले 2 को एक्सेस करेगा, फिर 7 को एक्सेस करेगा, फिर 12 को एक्सेस करेगा, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। देन इट विल गो डाउन, सबसे पहले 2 को एक्सेस किया, देन इट विल गो डाउन। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जो आई जो आई डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर होगा, अगर वो 0 है, 0 के इक्वल है, तो क्या हो जाए, लिस्ट डॉट रिमूव आई। तो जो भी एलिमेंट आपका आई के अंदर है वो रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा हमारा, वो 0 के इक्वल है, तो ये ट्रू होगी कंडीशन। तो हमारा क्या होगा, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेगा, लिस्ट डॉट रिमूव आई। तो हमारा 2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब 7 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, तो लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। जब 12 लेगा आई तो क्या होगा, तो 7 हमारा रिमूव नहीं होगा, फाइन। 7 हमारा रिमूव नहीं हुआ, 12, अब 12 पास करेंगे, 12 पास होगा आई के अंदर, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो हमारा क्या होगा, लिस्ट डॉट रिमूव के अंदर क्या आ जाएगा, 12, 12 इस रिमूव हो जाएगा। ऐसे करके जितने भी इवन नंबर है, फिर आपका 10 रिमूव होगा, देन आपका 10 रिमूव हो जाएगा, तो आपके क्या नंबर्स बच जाएंगे, आपके ऑड नंबर बच जाएंगे 7, 5, 15 एंड 23। लिस्ट डॉट रिमूव से आपके सारे के सारे इवन नंबर रिमूव हो जाएंगे। नाउ द पॉप मेथड रिमूव्स एन इंडिविजुअल आइटम एंड रिटर्न्स इट। अब ये क्या कह रहा है, जो पॉप मेथड होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल मतलब एक आइटम को डिलीट करते हैं और उसे रिटर्न कर देते हैं, पास कर देते हैं, राइट। व्हाइल रिमूव सर्चेस फॉर एन आइटम एंड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग आइटम फ्रॉम द लिस्ट। और रिमूव क्या करता है कि सर्च करता है आइटम का लिस्ट के अंदर से, और जो भी उसे फर्स्ट मैच मिलता है उसको रिमूव कर देता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स मेथड। द रिवर्स मेथड रिवर्सेस द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। रिवर्स मेथड क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। रिवर्स मतलब उसको जैसे उसके 1, 2, 3, 4 है तो 4, 3, 2, 1 कर देगा, उल्टा कर देगा लिस्ट को, राइट। इट इज डन इन प्लेस दैट इज इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। और ये क्या होता है, लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर चेंजेस होके वो दूसरी लिस्ट बन जाएगी, नो। ये सारे के सारे चेंजेस कहाँ होते हैं, ये ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंज होते हैं, मतलब वो ओरिजिनल लिस्ट को ही रिवर्स कर देता है, फाइन। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम लिस्ट डॉट रिवर्स, फाइन, लिस्ट डॉट रिवर्स। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमने यहाँ पे एक लिस्ट लिया कलर्स, रेड ग्रीन पिंक ब्लू एंड येलो, राइट। अब आपने क्या किया, लिस्ट का नाम लिया कलर्स डॉट रिवर्स, रिवर्स फंक्शन के साथ उसको यूज किया, राइट। और अब जब आप कलर्स को प्रिंट कराओगे, व्हाट यू विल सी, देखो यहाँ पे येलो फर्स्ट था, सॉरी यहाँ पे येलो लास्ट है, यहाँ पे येलो फर्स्ट है, देन ब्लू पिंक ग्रीन एंड रेड। तो क्या हुआ, इसने पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, राइट। अब ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको क्या बताया था, रिवर्स मेथड ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंज करता है, ये कोई दूसरी लिस्ट क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली L1, 10, 20, 30, 40, 50। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, हम चाहते हैं L1 डॉट रिवर्स का रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर जाए, L2 के अंदर। ओके, अब जब आप L2 को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, L2 स्टोर नथिंग एंड रिवर्स डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। L2 के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, रिवर्स फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये जिस लिस्ट पे अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसी लिस्ट पे वर्क करता है, उसी को रिवर्स करता है। अब देखो, आपने जब L1 को प्रिंट कराया तो क्या हुआ, ये रिवर्स हो गई है 50, 40, 30, 20 एंड 10। ओके, आपकी L1 वाली लिस्ट रिवर्स हो गई है। और L2 क्या है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि रिवर्स फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जो भी करता है ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर ही करता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज द सॉर्ट मेथड। सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। सॉर्ट फंक्शन का क्या यूज है, ये आपके लिस्ट के आइटम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दिस। दिस मॉडिफिकेशन इज डन इन प्लेस, दैट इज इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। और इसमें भी सेम वही फीचर है कि जो भी आपके चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही होंगे, दूसरी लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। ओके, सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम, लिस्ट का नाम एंड लिस्ट का नाम डॉट शॉर्ट फंक्शन। फाइन, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है लिस्ट वन। ओके, L1 जहाँ पे क्या है, 7, 2, 3, 4, 6, 1 एंड 6 हमारे नंबर्स हैं। अब हमने क्या किया, L1 डॉट शॉर्ट कर दिया। ओके, L1 डॉट शॉर्ट कर दिया, उसके बाद L1 को प्रिंट कराया। नाउ यू कैन सी इट हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गई, अरेंज हो गई विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट मेथड। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग लिस्ट है, रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट। फाइन, ओके, अब हमने क्या किया, L1 डॉट शॉर्ट मेथड का यूज किया और उसके बाद L1 को प्रिंट करा दिया। अब देखो, ये भी क्या है, हमारी इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपकी अरेंज हुई है। पहले ब्लू आया है, देन रेड, व्हाइट। अब देखो ये कैसे अरेंज होती है, फॉर स्ट्रिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। ओके, शॉर्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्काई वैल्यू। या जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनकी स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। फाइन, पाइथन स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट। इफ दे आर इक्वल, इट गोज ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन अंटिल इट फाइंड्स एलिमेंट्स दैट डिफर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम जब स्ट्रिंग हमारे पास लिस्ट है, स्ट्रिंग वैल्यूज की लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट की एस्काई वैल्यू को मैच करेंगे कि किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, राइट, टू अरेंज। अगर मान लो हमारे पास दो बार बी भी आ रखा है, बी ब्लू एंड बी ब्लैक, तो हम क्या करेंगे, बी के बाद ब्लू में एल को मैच करेंगे, ब्लैक में एल को मैच करेंगे, यहाँ पे यू को ए के साथ मैच करेंगे। ओके, तो ऐसे करके आप क्या करते हो, 1 बाय 1 एलिमेंट्स की स्काई वैल्यू को मैच करते हो, राइट। ओके, तो आपको पता है बी जो है उसकी 98 होती है आपकी स्काई वैल्यू, उसके बाद रेड की उससे ज्यादा होती है, फिर डब्लू की आर से, मतलब रेड नॉट रेड, आर की उससे ज्यादा होती है, देन डब्लू की उससे भी ज्यादा होती है, वाई की डब्लू से ज्यादा होती है। ओके, तो हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज अरेंज होगी अकॉर्डिंग टू द स्काई। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करता है। पर अगर आपको लिस्ट को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और यू कैन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या होगा, उसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट डॉट शॉर्ट, उसमें शॉर्ट फंक्शन के अंदर हमने पास किया रिवर्स इक्वल टू ट्रू। फाइन, हमने क्या वैल्यू पास किया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। फाइन, ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखोगे, हमारे पास लिस्ट है 10, 40, 30, 60, दिस। फाइन, अगर हमने सिंपल लिस्ट और शॉर्ट किया होता तो क्या होता, हमारा आता 10, 20, 30, 40, लाइक दिस। ओके, अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स को हमने ट्रू कर दिया, रिवर्स में क्या होगा, हमारी सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, मतलब सबसे पहले 80 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 30। ओके, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लिस्ट आपकी बनेगी, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, अब आपने जब लिस्ट को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो 80, 60, 40, 30, 20 एंड 10, ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर रिवर्स ऑर्डर में करना है तो लिस्ट डॉट शॉर्ट, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, आपको सिंटेक्स यूज करना है।
Next, we have the sorted function. This function takes the name of the list as an argument and returns a new sorted list with sorted elements in it. अब ये क्या कह रहा है? इस function के अंदर आप क्या करते हो? List को as a argument pass करते हो. Sorted के अंदर आपको जो भी list sort करानी है उसको pass करते हो. पर ये क्या करता है? उस list को जो ओरिजिनल लिस्ट को पास किया है उस उस उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, वो एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर देता है, एक न्यू शॉर्टेड लिस्ट क्रिएट कर देता है. राइट, देखो दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट विद शॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट. तो जो शॉर्ट होके आती है वो एक नई लिस्ट आती है. राइट, अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखो, शॉर्टेड है, हमने क्या किया, शॉर्टेड फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या क्या आपने पास किए, लिस्ट टू बी शॉर्टेड जिसको आपको शॉर्ट करना है, और आपने रिवर्स को लिया है ट्रू या फॉल्स. ओके, अब यहाँ पे रिवर्स क्या है, रिवर्स आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल. रिवर्स क्या है, हमारी ऑप्शनल है. इफ रिवर्स आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग और सेट टू फॉल्स देन द लिस्ट एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने रिवर्स को यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में आपके सेट होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. जैसे शॉर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, वैसे ही शॉर्टेड के अंदर भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ. इफ रिवर्स आर्ग्यूमेंट इज सेट टू ट्रू देन द लिस्ट एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने रिवर्स आर्ग्यूमेंट को ट्रू दे दिया, फाइन, तो क्या होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज होंगे. ओके, तो अब यहाँ पे हम शॉर्टेड फंक्शन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. हमारे पास है लिस्ट 1, 16, 12, 14, 11, 18, ये हमारी लिस्ट 1 है. ठीक है, हमने क्या किया, लिस्ट 2 इज इक्वल टू शॉर्टेड लिस्ट 1. फाइन, अब जो लिस्ट 2 है वो क्या होगा, लिस्ट 1 का शॉर्टेड फॉर्म होगा. ओके, अब देखो आपने लिस्ट 2 को प्रिंट कराया तो क्या है, बाय डिफॉल्ट ये शॉर्ट होके आई है असेंडिंग ऑर्डर में, 11, 12, 14, 16, 18. ओके, अगर आप लिस्ट 1 को प्रिंट कराते हो तो क्या है, वो एज इट इज है, मतलब ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है. जो चेंज होके न्यू लिस्ट आई है वो क्या है, लिस्ट 2. फाइन, देखो यहाँ पे द शॉर्टेड फंक्शन क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट, लिस्ट 2 विच इज शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. फाइन, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट 3. लिस्ट 3 में हमने शॉर्टेड कर दिया लिस्ट 1 रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आपने उसको क्या कर दिया, लिस्ट 1 को अरेंज कर दिया. तो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग में आ गया 18, 16, 14, 12 एंड 11. फाइन, 18, 16, तो आपका लिस्ट 3 में क्या आ गया, आपका इसका रिवर्स ऑर्डर आ गया. फाइन, द शॉर्टेड विद आर्ग्यूमेंट रिवर्स इज इक्वल टू 2 क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट विच इज शॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फाइन, ओके, तो आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट होके आ गया है. फाइन, क्योंकि आपने एक आर्ग्यूमेंट और पास कर दिया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. फाइन, नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड शॉर्टेड फंक्शन. शॉर्ट और शॉर्टेड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ओके, द इफ मेंटेनिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द लिस्ट. अब शॉर्ट में क्या है, हमारा जो मेन लिस्ट होती है, ओरिजिनल लिस्ट होती है, उसी के अंदर चेंजेस होते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज करते हो. एंड शॉर्टेड फंक्शन में क्या है, इफ यू वॉन्ट टू शॉर्ट अ लिस्ट बट स्टिल वॉन्ट टू कीप द ओरिजिनल अनशॉर्टेड वर्जन. ये क्या कह रहा है कि आप शॉर्टेड लिस्ट तो चाहते हो, पर आप चाहते हो ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी चेंज ना हो, वहां पे आप शॉर्टेड फंक्शन का यूज करोगे. ओके, द शॉर्टेड लिस्ट स्टोर्ड इन द सेम लिस्ट, यही हमने किया है. शॉर्ट के अंदर न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट होती. ओके, पुरानी जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट होती है उसी के अंदर चेंजेस होते हैं, बट शॉर्टेड क्या करता है, न्यू लिस्ट क्रिएट करता है. ओके, और क्या करता है, जो जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट होती है उसमें चेंज नहीं करता. अब क्या है शॉर्ट फंक्शन, इट वर्क्स ऑन द लिस्ट एंड मॉडिफाइज इट. शॉर्ट फंक्शन लिस्ट पे वर्क करता है. ओके, बट शॉर्टेड फंक्शन इट कैन टेक एनी इटरेबल सीक्वेंस टाइप सच एज लिस्ट और टपल. ओके, बट शॉर्टेड फंक्शन में हम किसी भी सीक्वेंस को पास कर सकते हैं, लिस्ट को, टपल को, स्ट्रिंग को, कुछ भी, किसी को भी पास कर सकते हैं, एंड इट विल शॉर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. फाइन, शॉर्ट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. ओके, बट शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, एक न्यू लिस्ट को रिटर्न करता है. फाइन, अ न्यू, इट रिटर्न्स अ न्यूली क्रिएटेड शॉर्टेड लिस्ट. फाइन, नाउ वी हैव मिन फंक्शन.
इट रिटर्न्स द एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। अब जब मेन फंक्शन को हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट आप मेन फंक्शन के अंदर पास करोगे उसके अंदर जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको क्या करता है, रिटर्न करता है। फाइन, वो आपको मिल जाएगा। ऑल वैल्यूज इन द लिस्ट मस्ट, अब इसकी एक कंडीशन क्या है, टू यूज द मेन फंक्शन ऑल वैल्यूज इन द लिस्ट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। अब आप जब मेन फंक्शन का यूज कर रहे हो तो जो भी लिस्ट ले रहे हो उसमें सारी वैल्यूज एक ही तरीके की होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हो तो सारी स्ट्रिंग हो, और अगर नंबर वैल्यूज ले रहे हो तो सारी नंबर वैल्यूज हो। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया लिस्ट 1, 20, 30, 50 एंड 60। ओके, नेक्स्ट में हमने क्या किया, मिन के अंदर हमने लिस्ट को पास कर दिया। पास कर दिया तो ये क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू हमको दे देगा। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, 20। फाइन, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिस्ट 2। लिस्ट 2 में क्या है, आपने करेक्टर्स लिए हैं ए, देन स्मॉल ए, देन कैपिटल बी, सी। अब आपने क्या किया, मिन लिस्ट 2, मेन फंक्शन के अंदर लिस्ट 2 को पास कर दिया। फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आया, सबसे छोटा क्या है, कैपिटल ए। फाइन, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल ए की एस का वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कंपेयर होगी, कैपिटल ए की एस का वैल्यू 65 होती है, और स्मॉल ए की क्या होती है, 97 होती है, कैपिटल बी की 66 होती है, एंड कैपिटल सी की 67 होती है। फाइन, तो सबसे छोटी एस का वैल्यू किसकी है, कैपिटल ए की, राइट। तो यहाँ पे आ गया, हियर इट विल रिटर्न द अल्फाबेट विद द मिनिमम एस का वैल्यू। फाइन, अब देखो लिस्ट 3 में हमने क्या लिया, स्ट्रिंग वैल्यूज लिए हैं अर्जुन, सिद्धि, वैष्णवी। फाइन, अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन में लिस्ट 3 को पास किया है। ओके, तो आपका क्या है, अर्जुन। ये भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, आपके जो आपके करेक्टर स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर होता है उसकी एस्की वैल्यू फर्स्ट मैच करेंगे, तो उसके अंदर ए की एस्की वैल्यू क्या है, एस और वी की एस्की वैल्यू से स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है, ए की। हियर इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग विच स्टार्ट्स विद द करेक्टर हैविंग द स्मॉलेस्ट एस्की वैल्यू। फाइन, और मान लो दो करेक्टर सेम हो तो क्या करेगा, जैसे हमने लिस्ट 4 ली, इसके अंदर क्या है, आर्यन, अर्जुन, क्षितिज एंड सिद्ध। तो यहाँ पे ए ए ए दो बार ए आ रहा है, तो पहले ये क्या करेगा, ए और ए की एस्की वैल्यू मैच करेगा, देन आर की, अगर आपकी इस तरीके से आर की देन मैच करेगा, देन वाई पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जे की एस का वैल्यू वाई की एस का वैल्यू से क्या होती है, कम होती है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, अर्जुन। ओके, फाइन, तो ये करेक्टर वाइज एस का वैल्यू को क्या करता है, मैच करता है। ओके, फाइन, इफ देर आर टू और मोर स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद द सेम करेक्टर देन द सेकेंड करेक्टर इज कम्पेयर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या कह रहा है, पहले हम फर्स्ट करेक्टर को मैच करेंगे स्ट्रिंग के, देन सेकेंड करेक्टर को, देन थर्ड करेक्टर को, जब तक मैच करते रहेंगे जब तक कोई करेक्टर की वैल्यू एक दूसरे से अलग नहीं आती, डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। ओके, उसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, डिसाइड होगा कि कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू मिनिमम है। फाइन, नेक्स्ट वी हैव मैक्स फंक्शन। इट रिटर्न्स द एलिमेंट विद मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जब आप मैक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास करते हो तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ये उसको रिटर्न कर देता है। टू यूज द मैक्स फंक्शन ऑल द वैल्यूज इन द लिस्ट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। ये क्या कह रहा है, जब भी आप मैक्स फंक्शन का यूज करो, जो भी लिस्ट लो उसमें सारी की जितनी भी वैल्यूज हो सेम डेटा टाइप की हो। अगर नंबर है तो सारे नंबर हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो तो सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हो, करेक्टर्स हो तो सारे करेक्टर्स हो, राइट। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है, मैक्स लिस्ट, यहाँ पे आप मैक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास करोगे। लिस्ट 1 है 10, 20, 30, 40। आपने क्या किया, मैक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट 1 को पास किया, तो आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 50, वो क्या हो गई, आपकी आ गई है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2, लिस्ट 2 हमारी करेक्टर लिस्ट है ए ए बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मैक्स के अंदर लिस्ट 2 को पास किया। अब यहाँ पे क्या, करेक्टर्स की एस्की वैल्यू आपकी क्या होंगी, कंपेयर होंगी। ए की एस्की वैल्यू क्या है, 65। स्मॉल ए की क्या है, 97। कैपिटल बी की क्या है, 66। कैपिटल सी की क्या है, 67। तो सबसे बड़ी किसकी हुई, हमारी एक स्मॉल ए की हुई, डेट इज 97। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 97। फाइन, ना नेक्स्ट एग्जाम्पल लिस्ट, यहाँ पे हमने लिए स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, अब मैक्स क्या होगी, मैक्स के अंदर आपने मैक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट 3 को पास कर दिया, तो जितने भी आपके स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसमें सबसे जो बिग एस्की वैल्यू है, जो फर्स्ट करेक्टर की एस्की वैल्यू है, वो वी की है, ए के वी एन एस, तो वी की सबसे बड़ी एस्की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा वैष्णवी आ गया। फाइन, देन आपका आ गया लिस्ट 4। लिस्ट 4 के अंदर हमने क्या किया, सेम करेक्टर्स लिए हैं, स्ट्रिंग्स के जो करेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है।
राइट तो देखो यहाँ पे सारे ए से अर्जुन अर्नव आर्यन अमित, तो सबका पहले ए कंपेयर होगा, देन आपका सेकंड करेक्टर कंपेयर होगा, राइट, देन आपका थर्ड करेक्टर कंपेयर होगा, ऐसे करके जो सबसे जिसकी स्काई वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप मैक्स के अंदर लिस्ट 4 को पास करते हो तो आपकी सबसे बड़ी स्काई वैल्यू क्या है, आर्यन। आर्यन में क्या है आपके, यहाँ पे देखो ए आर एन ए एन, ओके, देन जे एन वाई एम, तो यहाँ पे वाई की जो स्काई वैल्यू है वो जे एन और एम और आपकी आई की स्काई वैल्यू से बड़ी है, तो आपका क्या आ गया है आर्यन। फाइन, नेक्स्ट वी हैव द सम फंक्शन, इट रिटर्न्स द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सम फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट्स का सम आपको दे देगा, मतलब उनको सबको ऐड करके सम निकालता है। टू वर्क विद द सम द लिस्ट मस्ट कंटेन द एलिमेंट्स व्हिच कैन बी एडेड सच एज नंबर्स। अब ये क्या कह रहा है, सम फंक्शन के लिए क्या है, लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट्स होने चाहिए जिनको हम ऐड कर सकें। सिंटेक्स क्या है, सम लिस्ट। अब आप सम फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास करोगे। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारी लिस्ट 1 है 1 2 3 4 5, हमने सम फंक्शन के अंदर लिस्ट 1 को पास किया, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 का हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया, सम निकल के आ गया 15। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन नंबर वैल्यूज को लिस्ट के अंदर, जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, अल्फाबेट्स की लिस्ट है, राइट। अब जब हमने सम फंक्शन में लिस्ट 3 को पास किया तो क्या हुआ, हमारी टाइप एरर आ गई है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हम अल्फाबेट्स को ऐड नहीं कर सकते, इनका सम नहीं निकाल सकते। सो हमें सम वहीं पे यूज करना है जहाँ पे लिस्ट की वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ लिस्ट। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट टॉपिक।